बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टाइल विद नूर। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब है कि अच्छे होंगे। व्यूअर्स, हमेशा की तरह खूबसूरत ड्रेस डिजाइनिंग के साथ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ मेरे पास जो ड्रेस है ये ग्रेश ब्लू कलर में है और ये आप देख रहे हैं ऑर्गेंजा फैब्रिक में है। बहुत खूबसूरत इसके ऊपर भी काम किया गया है, जिसमें कटाना, सितारा, पर्ल्स और डिफरेंट टाइप के स्टोन्स वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं। बहुत खूबसूरत ये डिजाइनिंग बनी हुई है। इसकी नेकलाइन की तरफ आ जाए तो ये देखें, एक बड़ा डिफरेंट सा स्टाइल इसके ऊपर बना हुआ है। साथ ही ये ऊपर जो है ये नग लगे हुए हैं जो ऐसे नेकलेस के डिजाइन में है, तो इसलिए मजीद इसके ऊपर हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाया। बिल्कुल सिंपल सा इसका नेकलाइन रखा है, जो हमें पैटर्न में मिला है वही रखा है। आ जाते हैं इसके स्लीव्स की तरफ, तो स्लीव्स पर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत काम है। इसके आगे की आप देख रहे हैं ये अलग से एक बॉर्डर दिया गया था, जो एक्सटेंशन के तौर पर ये अलग से लगाया है। इसके आगे ये काविया करवाने के बाद इसकी लुक और भी बढ़ जाती है। इसके ऊपर तिला और सितारा इस्तेमाल किया गया है सारा। आ जाते हैं इसके चाक और दामन की तरफ, तो इसके चाक पर ये देखें ग्रीन से शेड में मैंने ये तिल्ले की पाइपिंग यूज़ की है, क्योंकि ये ग्रीन शेड मैंने इसके सितारों से और इसके अंदर ये जो कलर इस्तेमाल किया गया है वहाँ से लिया है। और ये आप देख रहे हैं ये तैयार मार्केट में जो डोरी पाइपिंग हमें मिलती है फैशन पट्टी चोड़ी वाली, ये बोल गई है। और शर्ट के दामन पर ये आप देख रहे हैं ये काम के साथ ही हमें इस तरह से ये हैंगिंग्स लगे हुए हैं, बहुत प्यारे ये बने हुए हैं। और उसके आगे ये मैंने एक्स्ट्रा जो एक्सटेंशन हमें मिली थी वो लगाई है, और ये आगे से काविया किया करवाया गया है, बहुत प्यारा ये लग रहा है। और इसका फैब्रिक जो ऑर्गेंजा है और इसके साथ जो इनर का फैब्रिक है ये देखें, ये कतान सिल्क में है। ये इसके इनर का कपड़ा और इसके ट्राउजर का कपड़ा जो है वो सेम फैब्रिक में है। अब देखते हैं इसकी बैक लुक। तो विड्स, इसकी बैक की साइड कुछ इस तरह से है। बैक पर इस तरह से बूटी का डिजाइन है। इसके बैक के चौक पर भी पाइपिंग लगाई गई है और दामन पर वही बॉर्डर जो मैंने फ्रंट पर लगाया है वही बॉर्डर जो है वो बैक पर भी लगा दिया है। तो बहुत खूबसूरत ये ड्रेस हमारा जो है वो तैयार हो गया है। अब आ जाते हैं इसके साथ ट्राउजर की तरफ। तो ये कैप्री स्टाइल में ये स्ट्रेट ट्राउजर रखा है जो 5 इंच पेंचर के साथ है। यहाँ मेरे पास आप जो ड्रेस देख रहे हैं बहुत खूबसूरत कलर और बहुत खूबसूरत फैब्रिक में है। इसके ऊपर जो है वो काम किया गया है धागे के साथ और सितारे के साथ। और ये आप देख रहे हैं कि शेफून फैब्रिक में है, क्रिंकल शेफून फैब्रिक है इसका, जिसके साथ मैंने अटल का इनर इस्तेमाल किया है। और ये बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो सितारा इस्तेमाल किया गया है वो लाइट गोल्डन कलर में है। आ जाते हैं इसकी डिटेलिंग की तरफ। तो इसका मैंने सिंपल राउंड नेक रखा है, जिसकी जेप जो है वो 5 इंच है और विड्थ जो है वो 7 इंच है। तो आ जाते हैं इसकी स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव्स में है थोड़ा सा स्टाइल दिया है, ये कफ स्लीव्स बनाई हैं और जो शिफॉन फैब्रिक में और भी खूबसूरत लगती हैं। इसके आगे की देखें, मैंने 1.5 इंच का कफ रखा है, जिसके ऊपर ये मैंने एक सितारा लैस लगाई है। ये मार्केट में इजीली मिल जाती है। ये सितारे की जो लैस है इसकी शाइन और ये ड्रेस में जो इस्तेमाल किया गया सितारा है सेम है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत ये लगता है। और आ जाते हैं ये देखें, इसकी स्लीव जो है ये फुल स्लीव्स रखी हैं और इनर की स्लीव जो है वो हाफ है। और इसके आगे की आप देख रहे हैं कि चुनट के साथ प्लेट्स मैंने नहीं डाली, चुनट्स डालने के बाद मैंने ये कफ लगाया है और ये बारीक फैब्रिक में बहुत खूबसूरत लगता है। अब आ जाते हैं इसके चाक और दामन की तरफ। तो फिर चाक पर मैंने गोल्डन कलर की पाइपिंग का इस्तेमाल किया है, ये आप देख रहे हैं फैशन पट्टी भी इसको बोलते हैं और पाइपिंग भी है। ये तैयार डोरी पाइपिंग हमें मार्केट में इजीली मिल जाती है, ये मसूरी फैब्रिक में होती है। आगे मैंने दामन पर वही लैस जो मैंने इसकी स्लीव्स पर इस्तेमाल की है, सारा लैस है गोल्डन कलर में जो मैंने इसके दामन पर लगाई है। तो बहुत खूबसूरत हमारा ये ड्रेस लुक दे रहा है। अब इसकी बैक साइड देखते हैं। बैक साइड जो है कुछ इस तरह से है, बूटी के साथ है। इस ड्रेस का दुपट्टा जो है वो बिल्कुल सेम बैक की तरह है और बैक के दामन पर जो मैंने पाइपिंग इस्तेमाल की है, फ्रंट पर मैंने लैस लगाई है। और ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही ये सिंपल सा और कंफर्टेबल सा ड्रेस है, जो कि पार्टी में भी पहना जा सकता है और फिर इसको हम कैजुअल यूज में भी पहन सकते हैं। इसके साथ ट्राउजर का फैब्रिक जो आप देख रहे हैं ये ग्रिप में है और ग्रिप का कपड़ा जो है वो थोड़ा सा ढलका हुआ होता है, इसलिए बिल्कुल सिंपल नॉर्मल ट्राउजर इसका रखा है। नेक्स्ट ड्रेस है ये सूती ऑर्गेंजा फैब्रिक में है, इसमें लाइनिंग सी होती है, ये बहुत सॉफ्ट सा होता है। तो आ जाते हैं इसकी डिटेलिंग की तरफ। इसकी जो नेकलाइन रखी है वो आप देख रहे हैं कि राउंड है, थोड़ा सा कर्व दिया है, इससे जरा थोड़ा स्टाइल आ गया है। इसके ऊपर धागे और सितारे का काम है, मेरून कलर में ही है। और इसके साथ जो मैंने इनर का फैब्रिक यूज किया है वो अटल में यूज किया है। आ जाते हैं इसकी स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव्स आप देख रहे हैं बूटी के साथ हैं, लेकिन ये जो है बैक साइड हमारे पास जो है वो बूटी में थी और जो फ्रंट है उस पर थोड़ा सा हैवी एम्ब्रॉयडरी है, तो मैंने जो फ्रंट का कपड़ा है आगे बॉर्डर के तौर पर लगाया है और उसको ज्वाइन करने के लिए इसके ऊपर खूबसूरत सी लैस यूज की है। ये लैस आप देख रहे हैं कि ये शिटल में बनी हुई लैस है, जिसके ऊपर पर्ल्स यूज किए गए हैं। ये इसी तरह से मार्केट में हमें तैयार मिली है और इससे हमारे ड्रेस की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। पीछे भी मैंने ये लैस लगा दी और ये आगे भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसके ऊपर लैस लगा दी है।
फुल स्लीव्स हैं, नॉर्मल स्लीव्स हैं और 5 इंच चौड़ाई के साथ ये जो है इसके साथ ही आ जाते हैं चाक और दामन की तरफ। तो इसके चाक जो है वो सिंपल हाथ की सिलाई के साथ फोल्ड किए गए हैं। इनर की लेंथ जो है वो मैंने बिल्कुल फुल रखी है क्योंकि ये पतला फैब्रिक होता है, इसलिए हमें इनर जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 इंच हम कम रखते हैं। आ जाते हैं इसके दामन की तरफ। तो दामन पर भी वो लैस मैंने डबल करके लगाई है, आगे 3 इंच का गैप दिया है और फिर से वो लैस लगा दिया है। तो खूबसूरत जो है ये हमारा ड्रेस इस लैस के साथ जो है वो तैयार हो गया है। अब देखते हैं इसकी बैक लुक। ये देखिए ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड जो है वो सिंपल बूटी के साथ है और बिल्कुल सिंपल है। अब आ जाते हैं इसके ट्राउजर की तरफ। तो ट्राउजर का फैब्रिक जो है वो कतान सिल्क है और इसके आगे मैंने ये देखिए खूबसूरत सा कटवर्क बना दिया है और ये सिंपल स्ट्रेट पैंट ट्राउजर की फिटिंग में है और इसके आगे ये कटवर्क जो है ये आप देख रहे हैं, इससे इस ट्राउजर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। जी व्यूवर्स, ये थे मेरे आज के पार्टी वेयर ड्रेसेस। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।